टिकटॉक और यूट्यूब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी। ये वाला मानना पड़ेगा। चलो दोस्तों, फिर से एक बार से आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पर, जो कि है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। और आज मैं आपके साथ बात करना हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। कि अभी बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि टिकटॉक और यूट्यूब में बेटर कौन है। तो मुझे ये नहीं पता कि लड़ाई बेटर होने की है या फिर किस बात की, ये तो भगवान ही जाने, बट बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी। तो मैं उसके लिए आज अपने थॉट्स आपके सामने रखूंगा। और ये रही आमिर भाई की वीडियो, मेरे इस बगल पर लैपटॉप रखा हुआ है, तो अभी मैं वीडियो का भी रिएक्ट करूंगा इस पर। बट जो सबसे पहली चीज थी कि जो टिकटॉकर्स इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूद रहे थे स्टार्टिंग में, उस साथ विदाउट होमवर्क के कूद रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। क्योंकि आप अगर कुछ बोलने आते हो, आप अगर आप अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हो, तो फिर आपको थोड़ा बहुत होमवर्क करके आना चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि आमिर भाई और जो अपनी रिवॉल्वर रानी, वो थोड़ा बहुत कम होमवर्क करके कूदे, और आमिर भाई तो बिल्कुल ही बिना होमवर्क के कूद गए। और हाँ, और सबसे पहली चीज की एल्विस भाई ने जो सबसे पहले रोस्ट किया था, कि उसमें उन्होंने बोला था कि ये हेट नहीं है, ही जस्ट गिविंग हिज ओन ओपिनियंस और ओनली फॉर फन के लिए है, फन के लिए ही है, और ऐसा कोई दिल पे मत लेना। बट हाँ, वो लोगों ने उसको गलत ही लिया और फिर अपोजिट ही लिया, और फिर उसके बाद बहुत ही बड़ा ड्रामा हो गया, और फिर सबको इस पे कूदा। जो सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही रिवॉल्वर रानी ने, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। तो बहन जी, मैं आपको मीन्स दीदी जी, मैं आपको यही बता दूंगी, जो आपने कहा बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, तो आपका ये चैलेंज चला था टिकटॉक पर कि चल चांद को उसकी औकात दिखाते हैं। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने। मेरी महबूबा। तो औकात दिखाने पे सिंपल सा यही था कि पहले बहुत ही काला वगैरह गरीब वरीब दिखाएंगे, फिर बाद में अचानक से गोरा अमीर ये सब कुछ दिखा देते हैं। तो वो डायरेक्टली बॉडी सेम के लिए ही था। और फिर उन्होंने क्लास डिस्क्रिमिनेशन की बात करी कि आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, आप क्लास डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो। तो एक और चैलेंज का नाम याद दिला दूं, जो था कि ज़ारा पर विंडो शॉपिंग करने से घंटा कुछ नहीं होना। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखा। जब औकात बिग बाजार की हो ना, तो ज़ारा पर विंडो शॉपिंग करने से घंटा कुछ औकात देखेगी मेरी महबूबा। तो वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के ही था, और आप लोगों ने भी जरूर से जरूर इसके ऊपर वीडियोस बनाए होंगे, बट मैं इतना जहर नहीं पी सकता था कि मैं आपकी आईडीज को पूरा स्क्रॉल करके जाऊँ और वो चैलेंज वाली वीडियोस ढूंढूं। तो यार मैं वो तो नहीं कर सकता, बट हाँ ये ऐसा आप लोगों ने भी किया हुआ है। तो यार आप दूसरों को नहीं कह सकते जब तक आप खुद को खुद सही ना हो, बट हाँ ऐसा हुआ, और क्रिंज हर जगह है। बट हाँ, टिकटॉक पर जो है टैलेंटेड लोग भी हैं, बट जो मेन चीज़ है क्रिंजीनेस जो है वो ओवरशैडो कर देती है जो भी अच्छे लोग हैं। हम अच्छे लोगों को भी लाइक करते हैं, मेरा खुद का भी अकाउंट है, बट यार रही बात है, मैं केवल टाइम पास के लिए यूज़ करता हूँ। तो अभी भी अगर मुझे कुछ अच्छा कंटेंट डालना होगा, कहीं पर अपलोड करना हो, तो वो यार मैं यूट्यूब ही सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है टिकटॉक पर ऑडियंस कैसी है, वो कैसी और किस लेवल तक की ऑडियंस क्या समझ सकती है। तो वो इसलिए मेरा कुछ समझदार कंटेंट डालना होता है तो मैं यूट्यूब ही सेलेक्ट करता हूँ, मैं कभी भी टिकटॉक पर नहीं जाता। टिकटॉक पर मैं केवल टाइम पास के लिए जाता हूँ, या तो चाहे मुझे देखना हो, चाहे मुझे कुछ टिकटॉक बनाना हो, तो दैट्स द सेम थिंग। और ऐसा ही मैंने दूसरे लोगों को भी देखा है। हाँ, बहुत सारे लोगों के करियर बन गए पूरे उसी टिकटॉक के थ्रू, बट हाँ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब ने तो बिल्कुल ब्रांड्स बना दिया है। जो लोग कुछ भी नहीं थे, आज उनकी पूरी पूरी कंपनियां चलती हैं, इस लेवल तक वो लोग केवल यूट्यूब के थ्रू पहुंचे हैं। तो अभी टिकटॉक उन सब चीजों से तो काफी पीछे है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई इन्होंने पहले ही बोला था कि इनको किसी से हेट नहीं है, फिर प्रॉब्लम नहीं, तो फिर यार ये इतना बड़ा मैटर क्यों होता चला गया? और जब यूट्यूबर्स की वीडियोस आना शुरू हो गए, तो फिर इनको बुरा क्यों लगना शुरू हो गया? जब इनको हेट नहीं थी तो, और इनका कहना था गाली वाली पड़ रही थी, तो वो तो इनकी पोस्ट जाती गालियां पड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि जब अलेक्स चौधरी का वीडियो नहीं भी आया था, तब भी इनको गालियां पड़ रही थी। ऐसा नहीं कि तब इनको गालियां नहीं पड़ रही थी, उसके पहले भी वीडियोस आ चुके थे इसी के ऊपर, बट इन्होंने तब भी ये बोल दिया। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। कुछ भी
भाई आमिर भाई जिस भी स्कूल से पढ़े हूँ, बट हाँ मैं इनकी एजुकेशन पे सवाल नहीं खड़े करना चाहता हूँ, बट भाई ये जो आपने जो भी मैथ्स लगाई क्रिंज इन 200, ये एक्सट्रीम लेवल है। आप पता नहीं कहाँ पहुंच चुके होगी कंटे, लाइक मैं कुछ सोच भी नहीं सकता यार कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है क्रिंज इन 200। भाई अगर मैं आपकी खाली वीडियोस लगा दूंगा ना यूट्यूब पर तो उतने ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोगों का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। पता नहीं भाई आमिर भाई को क्या अच्छे से पता और क्या अच्छे से नहीं पता, बट हाँ यार ये बोल रहे तो अच्छे से पता ही होगा इनको शायद, बट इनकी कम्युनिटी वालों को नहीं पता, इन्होंने खुद ही बोला। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकते हैं, और इन्होंने बोला कि लाइक ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और ये वीडियो निकलवा भी सकते हैं। तो मैं एक चीज सिंपल से बोल देता हूँ कि भाई अगर तुम्हें ये वीडियो हटवानी है तो हटवा देना, दैट विल गिव मी मोर कंटेंट कि हाँ तुमने वीडियो हटवा दी, तो ये तुम्हारा ही फालतू बना होगा, हम तो नहीं करते ऐसा, तुम हजार बार कर लो। तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप तीन कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके तीन कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियो बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो, क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं। It's her choice. और रही बात कंटेंट कॉपी करने की, तो यार अभी मैं भी उसी कंट्रोवर्सी में कूदा हूँ, बट हाँ जो कंटेंट कॉपी करने की बात रही, तो यार यूट्यूबर्स के ऊपर उंगली उठाने से पहले यार तुम एक बार उसको सोच लेते, कोई भी चैलेंज आता है तो उसके ऊपर से लिटरली टिकटॉक फिल्टर्स उसके बना देता है, और जैसे कि वाला आया था चांद पे ले चलो औकात दिखाने, उसके लिए भी टिकटॉक ने एक फिल्टर बना दिया था, और टिकटॉक हर चैलेंज के ऊपर ऑलमोस्ट फिल्टर्स बना ही देता है, और ये लोग सब लोग एक जैसे ही वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। लिटरली हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना अगर किसी का वो मेन चीज, तो हमारा कम से कम कंटेंट उसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं, तुम लोग तो वो भी नहीं करते भाई, पूरा का पूरा सेम सेम सेम, और ये पता नहीं क्या सोच के बोलते। और भाई रही बात कम्युनिटी सपोर्ट की, इन्होंने अपनी खुद ही की इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बोला था कि एल्विस ने सबको बोल दिया तो उन्होंने सबने बना दिया अपना अपना रोस्ट वो वगैरह। मैं इनको इन्हीं को बता दूं कि ये कम्युनिटी सपोर्ट ही है कि किसी को कुछ नहीं बोला गया है, सब अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, चाहे यूट्यूब के फेवर में हो चाहे यूट्यूब के अगेंस्ट में हो, तो जो जो भी बोल रहा है किसी ने कुछ नहीं बोला है, सब कोई अपनी मर्जी से बोल रहा है। और ये भाई पता नहीं क्या, वही तो बात हुई ना कि भाई इनको होमवर्क करके आना चाहिए था, जो कि इन्होंने बिल्कुल ही नहीं कर रखा है। अब यही बात मैं एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात, तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते। और जहाँ तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। अच्छी घंटा भाई ट्रेंड की बात तो छोड़ो, जिन्होंने लाफा मारते हुए जो हमें अपनी कम्युनिटी सपोर्ट की बात बताई है, उससे पहले मैं बता दूं कि भाई आप भी तो लड़ाई में फंसे हो, और वैसे भी कोई भी फैमिली हो जहाँ पर इतना ज्यादा प्यार हो वहाँ पर थोड़ी बहुत तो नोकझोंक चलती रहती है, बट हाँ फिर भी हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, वो आपको इसी जो आपने बोला है यूट्यूबर्स के बारे में उसी पे आपको दिख गया होगा, जो आपने इतना बड़ा लंबा वीडियो बनाया, कितनी कम्युनिटी सपोर्ट आपको देखने के लिए यूट्यूब के थ्रू वो आपको देखने के लिए मिल गया होगा। और जब इन्होंने ये वीडियो बनाया तो कुछ जैसे लाइक टिकटॉकर्स इनके अगेंस्ट भी चले गए, कुछ इनके फेवर में भी आ गए बहुत सारे, और वैसे यूट्यूबर भी होता है यार, तुम ऐसा किसी के को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जब पहले खुद को देखो तब किसी को जाकर के बोलो, वही सेम चीज है यहाँ पर भी। और गाइस यार कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, आप लोग ने किया हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लें। भाई इन्होंने खुद ही बोला कि चिड़ो मत अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है रोस्ट कर रहा है, भाई फिर ये खुद ही चिड़े जब इनकी इस वीडियो पर लोगों ने धर के रिएक्ट मारा, धर के रोस्ट किया, और ये फिर इतना ज्यादा चिड़े आपको इंस्टाग्राम पर अभी देखने के लिए मिल ही रहा है। ये नियॉन मैन बेसिकली इस स्टोरी को काफी अच्छे से कवर कर रहे हैं, और फिर यार यही बोलते हैं कि चिड़ो मत, और ये यही खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही उस चीज पर चिड़ रहे हैं। दोस्तों सपोर्टिंगली लो, अब लो सपोर्टिंगली। हम लोग महीने के तीन कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के तीन या चार या दस कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तू चूतिया है। और दूसरी बात इन्होंने बोली कंटेंट के बारे में, तो कंटेंट ये लोग बोल रहे कि ये दिन के 10 कंटेंट डालते हैं, और यूट्यूबर्स बहुत सारे तीन कंटेंट है एक कंटेंट डालते हैं, तो भाई हर टाइप का कंटेंट है यूट्यूबर, हर टाइप के कंटेंट की अलग अलग टाइप की मेहनत लगती, तो उस कंटेंट को उसे उतना ही टाइम लगता है। अब लाइक बहुत सारे जो बड़े यूट्यूबर्स उनको महीने की एक वीडियो महीने की दो वीडियो से ऐसे डालते हैं, क्योंकि यार लाइक हर वीडियो पे काम करने पर में टाइम लगता है, जैसे कि लाइक एमजीओ का वीडियो है, तो एमजीओ की वीडियो में काफी टाइम लग जाता है एनिमेशन वगैरह करने में, तो यार वो काफी टाइम बाद अपनी वीडियोस लेकर के आ पाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए व्लॉग चैनल्स की, तो मेरा भी व्लॉग चैनल है, बट हाँ फिर भी मैं एक दो दिन ले लेता हूँ किसी भी वीडियो को लेकर के आने के लिए,
बड़ा मुंबईकर निखिल की बात कर ले, फ्लाइंग बीस की बात कर ले, या फिर किसी भी ब्लॉगर की बात कर ले, तो यार ये लोग ऑलमोस्ट डेली या एक दो दिन के गैप में वीडियोस डाल देते हैं। और अभी लाइक फ्लाइंग बीस और ने तो पूरी लॉकडाउन में पूरा डेली व्लॉग किया है, जबकि वो कहीं नहीं जा पा रहे, घर से ही रह करके पूरा व्लॉग किया है। तो खुद से सोचो ना यार, खुद का दिमाग रखो तब दूसरे के बारे में बोलो। और इन्होंने बोल दिया, कचरा किया तुमने और कुछ नहीं। आमिर से मैं यही बोलूंगा, कचरा किया तुमने और कुछ नहीं। मैंने देखा यार, फैजल को रोस्ट कर रहे हैं, रिवॉल्वर रानी को रोस्ट कर रहे हैं, सौम्या को रोस्ट कर रहे हैं, फैजू मंजूर को रोस्ट कर रहे हो। यार इन लोग के ना कभी पास्ट में जाके देखो कि इन लोग क्या करते थे। इन लोग ना बहुत छोटी सी जगह से उठ के आज इतने ऊपर आए, इनकी मेहनत है वो। तुरंत ये बात कह रही कि लोग टिकटॉक पर छोटी जगह से उठ करके बहुत बड़े हो गए, तो मैं एक चीज क्लियर करूँ, ऑलमोस्ट जितने भी स्टार्स है वो बहुत छोटी जगह से आए हैं। वो लाइक पहले थोड़ा सा बहुत उठे लेकिन फिर गायब हो गए टिकटॉक से। कुछ अगर मैं नाम लूँ तो सबसे बड़ा नाम तो यही था सागर गोस्वामी, वो तेरी प्यारी प्यारी जो अखिया पर वीडियो बनाया था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और काफी उठ भी गया था, बट फिर वो लाइक डिसअपियर हो गया और अभी लाइक ज्यादा नहीं दिखता है। बट जो लोग अबव द मिडिल क्लास से लाइक फैजू वगैरह सब वहीं से आए। फैजू की अगर आप लोग पिछला देखोगे तो सब कुछ काफी ठीक ठाक जगह पर था, फैजू फिर वहां से आया। तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइक छोटी जगह से, अगर YouTube की बात करो तो YouTube पर लोग छोटी जगह से उठ करके आए और अभी उनकी पूरी कंपनियां भी चल रही हैं। दे हैव मेड देयर ब्रांड्स बाय YouTube। पहले सेलिब्रिटीज भी बहुत बोलते थे कि टिकटॉकर्स क्या है, ऐसा है वैसा है, आज खुद सारे सेलिब्रिटीज टिकटॉक पे, आप सारे यूट्यूबर्स भी तो आ चुके हो यहाँ पे। भाई सेलिब्रिटीज की अगर बात करी जाए, सेलिब्रिटीज के यहाँ तो बेसिकली सेलिब्रिटीज को इनवाइट जाते हैं कि आप प्लीज टिकटॉक पर आइए, उससे उनकी ऐप ग्रो होगी, क्योंकि यार लोग सेलिब्रिटीज को देखने के लिए टिकटॉक पर जाते हैं, तो बेसिकली सेलिब्रिटीज उसी लिए आए। तो ये बात कहने तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनवाइट आता है और जितने बड़े यूट्यूबर्स है सबको इनवाइट जा चुका है टिकटॉक की तरफ से कि प्लीज ज्वाइन करो। इवन तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी इनवाइट किया था बट यार उसने डिनाई कर दिया, और बाकायदा पैसे वैसे सब मिलते हैं सेलिब्रिटीज को वीडियोज बनाने के लिए, तो वो ऐप अपनी खुद की बढ़ावे के लिए करता है, ऐसे ही नहीं करता है। और सेलिब्रिटीज को तो और ऑफर किया जाता है कि यार आप जल्दी से आ जाओ, यूट्यूबर्स को भी ऑफर किया जाता है कि आप आ जाओ तो हम आपको ब्लूटिक वगैरह सब तुरंत दे देंगे, और ये ऐसी बातें करते हैं तब ये लगता है कि हाँ इन्होंने होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया हुआ। तो why not use this time और YouTube पे आ जाना चाहिए अब तक अपने को, और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और कंटेंट देना चाहिए, और वहाँ पे भी मचा दो यार। गाइस वेट किस बात का कर रहे हो, बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो यार कुछ सिर्फ 10 वीडियोस डाले और 10 वीडियो में 3 आपके सब्सक्राइबर 210 हो गए। और भाई इन भाई ने एक चीज और बोली कि ये खुद YouTube पर आए थे, अगर इन्होंने केवल 10 वीडियोस डाली और इनके 210 सब्सक्राइबर्स हो गए। मैं आपको बता दूं सिंपल चीज, मैंने अभी मेरा एक और चैनल है, अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर के देख लेना, उस पर मैंने शायद 4 से 5 वीडियोस डाल करके रखी हुई है और उन पर 330 सब्सक्राइबर्स हैं, और वो और अभी आगे जा सकता था, बट हाँ मैं अभी लाइक लॉकडाउन की वजह से वीडियोस उस पर नहीं डाल सकता, क्योंकि जो उसका कंटेंट है वो बेसिकली लॉकडाउन के वक्त शूट नहीं किया जा सकता उतना ज़्यादा, तो इसलिए उस चैनल पर अभी वीडियोस नहीं आ रहे। बट हाँ उस पर 330 सब्सक्राइबर्स हैं 4 या 5 वीडियोस पर, और इनके खुद के 10 वीडियोस पर 210 सब्सक्राइबर्स हैं, और ये एंगेजमेंट की बात करते हैं। तो भाई एट द एंड मैं यही कहूंगा यार, टिकटॉक पर क्रिंजी कंटेंट है वो ओवरशैडो कर रहा है तुम्हारे अच्छे कंटेंट को। मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं और टिकटॉक पर अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, पर जो बुरे लोगों की गिनती थोड़ी ज्यादा है और जो क्रिंजी कंटेंट है वो ओवरशैडो करता है जो अच्छा कंटेंट है उसको। और यूट्यूब पर भी है कुछ बुरे लोग और कुछ गलत चीजें हैं यूट्यूब पर भी, तो प्लीज यार ऐसा मत करो यार, सब जगह सब कुछ अपना अपना है। तुमने फालतू में वो उंगली करी तो सबने फिर उसका रिप्लाई दिया, वही सेम चीज अभी यहाँ पर भी हो रही है। और रही बात कुछ लोगों ने इसको लाइक रिलीजन बेस के ऊपर भी मोड़ने की कोशिश करी थी, वो बिल्कुल गलत है कि लाइक सोशल इन्फ्लुएंसर को एक चीज बहुत सोच करके बोलनी चाहिए कि क्या बोलने वाला क्या है, क्या सही नहीं है, क्या गलत है। पर कुछ लोगों ने इसको रिलीजन बेस के व्यू पर घुमाने की कोशिश करी, वो बिल्कुल गलत है। और एट द एंड मैं यही कहूँगा यार, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब तो कर ही लेना।